गुजरात विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। पार्टी किसी भी कीमत पर गुजरात अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव में 50 से भी ज्यादा रैलियां करेंगे। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गोन्यू संवाददाता रमन मुंगई। पिछले लगभग 22 सालों से गुजरात की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव आसान होने नहीं जा रहा। जातीय समीकरण सद नहीं रहे हैं, इसके अलावा विपक्ष पूरी ताकत से घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ बहुत सावधानी से कर रही है। अगर सूत्रों की माने तो पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लगातार मीटिंग ले रहे थे और 182 जो विधानसभा सीटें हैं उसके लिए उम्मीदवार बहुत जाँच परख कर चुने गए। हर सीट के लिए 3 उम्मीदवार तय किए गए, बहुत ध्यान रखा गया कि कौन सा जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है इन 3 नामों में, और इसमें से आखिरी नाम का फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरे के तौर पर सामने रखा जाएगा। प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल था उसमें जो विकास रहा गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, एक बार फिर उसे याद दिलवाया जाएगा। साथ ही साथ पहले ये माना जा रहा था कि शायद प्रधानमंत्री 10 से 12 ही जो रैलियाँ हैं या जनसभाएँ वहाँ करेंगे, लेकिन अब ये जो खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री की रैली और जनसभाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, लगभग 50 के करीब छोटी और बड़ी जनसभाएँ हो सकती हैं। इसमें भी कहा जा रहा है कि जो रोड शो हों वो ज़्यादा करवाए जाएं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो डिजिटल मीडिया है उसके ज़रिए भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। टाउन हॉल जैसे कार्यक्रम वहाँ किए जा सकते हैं जिसमें महिलाओं और युवाओं को जोड़ने की पूरी कोशिश होगी। विपिन के साथ रमन अमगाई, गो न्यूज़, दिल्ली।